अरे अरे रुको दोस्तों, हम आ गए हैं। अब आपके लिए एक नया चीज़ लेके आए हैं जो कि बहुत ही आयुर्वेदिक बढ़िया और जड़ी बूटी है। कुदरत का एक नया तोहफा आप लोग के लिए लेके आए हैं, जिससे आप सब जानते भी होंगे, पहचानते भी होंगे और खाया भी होगा। हम लाए हैं आयुर्वेद से सोना निकाल कर, ये दोस्तों रखना इस जानकारी को संभाल कर। दोस्तों है एक ऐसी जड़ी बूटी लेके आए हैं जिसको आप सभी पहचानते भी होंगे, जानते भी होंगे, खाया भी होगा और लगभग 90% लोग तो खाते ही हैं। कोई सब्जी में खाता है, कोई सलाद बना के खाता है, लेकिन 90% लोग इसके फायदे को नहीं जानते। ये अगर आयुर्वेदिक दवा की तरीके से खाया जाए, सही मात्रा में सही समय पर इसे खाया जाए तो ये लाभदायक औषधि भी है। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो का अगर अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें और लाइक और शेयर भी करें, ताकि आप लोगों को जानकारी मिले और नई नई जानकारियाँ आपको मिलती रहें तथा अन्य लोगों को भी जानकारी मिल सके। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं समय गंवाए बगैर। तो इस जड़ी बूटी का नाम है प्याज। इसे प्याज या प्लांडू भी कहते हैं। इसका आयुर्वेदिक नाम प्लांडू है। ये दो प्रकार का होता है, लाल और सफ़ेद। इसके प्रयोग से सैकड़ों बीमारियां जड़ से ठीक की हो जाती हैं। ये शक्तिवर्धक है, साथ ही नपुंसकता को छुमंतर कर देता है। लिंग में उत्तेजना की कमी हो तो ये रामबाण औषधि है। सही तरीके से नियमित इस्तेमाल करने पर बूढ़ा भी पहलवान हो जाए। दोस्तों प्याज एक ऐसी जड़ी बूटी है जो कि सैकड़ों रोगों जैसे खूनी पेचिस, बवासीर, श्वास रोग, हृदय रोग, दाद, हाई शुगर लेवल, चर्म रोग, कफ रोग, कालरा, सिर दर्द, दांत दर्द, दांतों में कीड़े, बच्चों में अकड़न, बिच्छू दंश, गर्मियों में नाक से खून गिरना, जुकाम, अनिद्रा, अरुचि, धातु रोग, प्रमेह, गैस रोग, वायु विकार से कहते हैं, कमजोरी, रतौंधी, कर्णशूल, शिथिलता, उत्तेजना में कमी, उन्माद आदि अनेकों रोगों के लिए कमाल की औषधि है। आइए अब बताते हैं प्याज को कब, किस रोग में और कैसे इस्तेमाल करें तो बढ़िया लाभ मिल सकता है। प्याज का सफ़ेद कंद को नियमित प्रतिदिन सुबह शाम सेवन करने से शुगर लेवल डाउन करता है। कफ विकार में, बवासीर में प्याज का रस और मिश्री मिलाकर 2 चम्मच सुबह शाम सेवन करने से लाभ होता है। दांत रोग में, मसूड़ों में सूजन, दांतों में दर्द, दांत में कीड़े हों तो सफ़ेद प्याज का कंद लेकर के उसका रस निकालकर उसमें नमक मिलाकर मसूड़ों में धीरे धीरे मालिश करें, लाभ होगा। बच्चों में अकड़न हो जाए तो सफ़ेद प्याज कंद को तोड़कर सुंघाने से फ़ायदा होता है। सिर दर्द में सफ़ेद प्याज कंद, सफ़ेद चंदन तथा कपूर को एक साथ मिलाकर मस्तक पर लेप लगाएं, तुरंत आराम मिलेगा। गर्मियों में नाक से खून निकलने पर सफ़ेद कंद के रस से नस्य करें। कालरा जैसी महामारी अक्सर गर्मियों में अटैक करती है। यदि कालरा बन जाए तो प्याज के कंद का रस निकाल लें, उसमें 1 चने के बराबर हींग, 1 ग्राम सौंफ, 1 ग्राम धनिया पिसी हुई मिला करके घोल कर छान लें और पिलाएं। यदि कालरा का असर ज़्यादा है तो प्रत्येक 15 मिनट पर पिलाते रहने से कुछ ही देर में कालरा से निजात मिल जाता है। ततैया के काटने या बिच्छू के डंक मारने पर उस जगह पर सफ़ेद प्याज के कंद को बीच से काट लें और आधा कंद लेकर घिसें, आराम मिलेगा। वीरवृद्ध के लिए सफ़ेद कंद का रस और शहद सुबह शाम 1-1 चम्मच इस्तेमाल करें। बच्चों में बढ़ने की रफ्तार यदि कम हो रही है तो प्याज कंद और गुड़ खिलाना चाहिए। पेचिस, ऐंठ मरोड़ के साथ खूनी पेचिस हो तब सफ़ेद प्याज का कंद लेकर उसे बारीक काट लें। उसके बाद 4-5 बार उसे पानी से धो करके दही के थक्के पर डालकर सेवन करने से पेचिस में जल्द ही आराम मिल जाता है। दाद में प्याज के बीज का छिरके के साथ पीसकर लगाने पर फायदा होता है। प्याज की सब्जी, संपूर्ण पौधा काटकर सब्जी बनाया जाता है, जिसके खाने से हृदय रोग में लाभ मिलता है तथा शुगर लेवल
को भी बढ़ने से रोकता है। जुकाम में प्याज को काट कर सूंघें। यदि जुकाम नथुने में जाम हो गया हो तो सांस लेने में दिक्कत हो रही होगी तो एक समूचा प्याज कंद लेकर के गुड़ या चीनी में डुबो डुबो कर दांतों से काट कर खाएं, चबाएं। नथुने खुल जाएंगे और जुकाम पतला होकर बह जाएगा। चर्म रोग में प्याज के कंद का रस सरसों के तेल में मिलाकर लगाने से चर्म रोग नष्ट हो जाते हैं। कर्ण रोग में कानों में दर्द खुजली हो तो सफ़ेद प्याज का रस गुनगुना करके कान में डालने से लाभ मिलेगा। अब आइए मानव जीवन की बहुत ही गंभीर बीमारी नपुंसकता की दवाई कैसे बनती है बताते हैं। नंबर एक, सफ़ेद कंद का रस 5 ग्राम, अदरक का रस 5 ग्राम, शहद 5 ग्राम और घी 2 ग्राम एक में मिलाकर प्रातः सेवन करें और शाम को 250 ग्राम दूध यानी 250 ग्राम दूध यानी कि 1 गिलास दूध गर्म करके उसमें मिश्री मिलाकर पिए। ये उपयोग कम से कम 21 दिन से और अधिकतम 2 माह तक करने पर पूर्ण लाभ मिलेगा। शुक्राणु बढ़ेंगे और उत्तेजना भरपूर हो जाएगी। नंबर दो, यदि मर्दाना कमजोरी के साथ साथ शारीरिक दुर्बलता हो तो 2 किलो सफ़ेद प्याज का कंद लेकर एक मिट्टी के घड़े में भर दें और उस मिट्टी के घड़े में शहद इतना डालें कि सभी प्याज कंद शहद में डूब जाएं। उसके बाद घड़े को मिट्टी के ढक्कन से ढककर मिट्टी का लेप लगा दें और अच्छी तरह बंद कर दें। तत्पश्चात ज़मीन में गड्ढा बनाकर घड़े को उसमें दबा दें, जमीन में गाड़ दें। जब 40 दिन पूरे हो जाएं उसके बाद घड़े को ज़मीन से निकाल लें। अब आपका प्याज मुरब्बा तैयार हो गया। इसमें से प्रतिदिन प्रातः 1 कंद को खाएं और 1 घंटे तक कुछ न खाएं। ऐसे ही सभी कंद खा लेवें, फिर देखिए यह कितना ताकतवर बना देगा। ये ऐसा ताकतवर बना देगा कि आप नाम लेंगे। तो आज का वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही पावरफुल जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय आयुर्वेद। उम्मीद है आप सब लोग लाइक और शेयर जरूर करेंगे। धन्यवाद।